हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर शिवानी चक्रवर्ती और मेरे चैनल विज्ञान श्रोतालय में आपका वेलकम है। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के फोटो रेस्पायरेशन C2 साइकिल के सेकंड पार्ट पे, जो कि हमारा आज फाइनल वीडियो है इस टॉपिक का। तो हमने लास्ट क्लास में इस पे जो चीज़ें पढ़ी हुई थी वो सारी बेसिक नॉलेज थी C2 साइकिल के रिगार्डिंग। फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है, C2 साइकिल क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने रूबिस्को के बारे में भी जाना हुआ था। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ सारी चीज़ें। सो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि C2 साइकिल को फोटो रेस्पायरेशन और ग्लाइकोलेट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो ग्लाइकोलेट बनता है, ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड होती है। और हमारा ये C2 साइकिल एक हार्मफुल कंडीशन को शो करती है, जिसको प्रमोट करने का काम C3 साइकिल करता है। इसके बाद हमने कुछ नॉर्मल कंडीशंस देखी हुई थी जो C3 साइकिल में होती है, जिसमें हमें दिखाई देता है कि पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, उसके कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रूबिस्को वहाँ पर एज अ कार्बोक्सिलेज के फॉर्म में काम करता है। और कार्बोक्सिलेज का काम ही होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करें। और उसी कंडीशन में, जब ये कंडीशन ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इसी कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो कंडीशन हॉट कंडीशन को शो करता है, और उस कंडीशन में टेम्परेचर अपने आप जो है वो हाई लेवल पे चली जाती है। टेम्परेचर हाई हो जाने की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लेवल लो हो जाने की वजह से ऑक्सीजन का लेवल आपको देखने को मिला था वो बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैंने ये भी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो 50 ppm से भी कम हो जाता है। उस कंडीशन में रूबिस्को कार्बोक्सिलेज के फॉर्म में नहीं बल्कि ऑक्सीजनेज के फॉर्म में काम करना शुरू कर देता है, जो कि हार्मफुल सिचुएशंस को शो करता है, क्योंकि इसी जगह पर C3 C2 को प्रमोट करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर ली हुई थी। आप में से जिन लोगों ने बेसिक क्लास नहीं देखा था, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैंने इस वीडियो के नीचे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया हुआ है, Part 1 का, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में, जो कि होने वाले हैं C2 साइकिल के स्टेप्स के बारे में, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। इन 3 बॉक्सेस में आपको देखने को मिल रहा है कि ये C2 साइकिल फॉर्म कर रही है, ठीक है। और ये 3 बॉक्सेस को मैं ऐसे समझाने की कोशिश करती हूँ इस ब्लैंक पेज में, आई होप आपको समझ में आ जाए। ओके, सो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि जो हमारा राइबुलोज बाई फॉस्फेट था, ठीक है, RUBP, ठीक है, राइबुलोज बाई फॉस्फेट जो था वो पर्टिकुलर ऑक्सीजिनेस के फॉर्म में काम कर रहा था, ठीक है। वो क्या कर रहा था, वो एज अ ऑक्सीजिनेस के फॉर्म में काम कर रहा था। डैट मीन्स कि यहाँ पे उसके पास एक ही एक्टिव साइट्स थे, और किसी चीज़ के लिए वो स्पेसिफिसिटी शो नहीं कर रहा था। यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा था तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया, जब ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा था तो इसने ऑक्सीजन को फिक्स किया। तो राइबुलोज बाई फॉस्फेट रूबिस्को एंजाइम्स की मदद से, ठीक है, रूबिस्को एंजाइम्स की मदद से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो है एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, और वो प्रोडक्ट आपका होता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, जो 2 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट होता है, जिसे हम फॉस्फोग्लाइकोलेट कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी लास्ट क्लास में, बेसिक क्लास में। और इसके साथ वो एक और चीज़ भी बनाता है, वो है आपका 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिन, PGA, ठीक है। ये 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो आगे चल के C3 साइकिल में एंट्री कर देता है। C3 साइकिल जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, और C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA ही होता है, जो यहाँ पे C2 साइकिल में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और यही PG आपके C3 में एंट्री कर लेता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया? एक मिनट में कलर चेंज कर देती हूँ।
ओके नाउ सो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि पर्टिकुलर, मैं आपको यहाँ पे बॉक्स के फॉर्म में बताती हूँ, ठीक है। ये जो मैं तीन बॉक्स बना रही हूँ, ये तीनों बॉक्स तीन सेल ऑर्गेनल्स को डिनोट कर रहे हैं। कितने सेल ऑर्गेनल्स को डिनोट कर रहे हैं? तीन सेल ऑर्गेनल्स को डिनोट कर रहे हैं। पहला जो है वो आपका डिनोट कर रहा है क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। पहला जो है वो आपको डिनोट किसको कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट जैसे सेल ऑर्गेनल्स को। दूसरा जो है वो डिनोट कर रहा है पेरीऑक्सीसोम्स को, ठीक है, पेरीऑक्सीसोम्स को, ठीक है। और जो तीसरा सेल ऑर्गेनल्स आपको दिख रहा है, तीसरा जो बॉक्स दिख रहा है, ये आपका शो कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, ये शो कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये तीनों ऑर्गेनल्स में आपके C2 साइकिल जो हैं वो फॉर्म करते हैं। ये तीनों सेल ऑर्गेनल्स में आपको C2 साइकिल देखने को मिल जाएगा। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि जो ये RUBP होता है, ये जो राइबुलोज बाई फॉस्फेट होता है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, एब्यूडेंट मात्रा में, आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। अब ये RUBP जो है वो पर्टिकुलर ऑक्सीजिनेस यानी रुबिस्को एंजाइम्स की मदद से, जहाँ पे रुबिस्को ऑक्सीजिनेस की तरह काम कर रहा है क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो रुबिस्को यानी ऑक्सीजिनेस के प्रेजेंस में ये जो प्रोडक्ट बनाता है, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो था फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। फॉस्फोग्लाइकोलेट मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, पी मतलब फॉस्फो आप समझ जाइए, और ग्लाइकोलेट, ग्लाइको मतलब समझ जाइए ग्लाइकोलेट। तो पहला हमको देखने को क्या मिल रहा है, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में भी बता सकती हूँ। यहाँ पीछे ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पहला बॉक्स मैंने अभी आपको बना के दिखाया था क्लोरोप्लास्ट का, यहाँ पे यही RUBP जो प्रेजेंट है, यही RUBP क्या कर रहा है, यही RUBP आपका कार्बोक्सिलेज यानी रुबिस्को, जो कि कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर, सॉरी ऑक्सीजिनेज, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजिनेज की तरह काम कर रहा है। और ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि दो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, हमारे C2 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, राइट। तो ये बना रहा है, साथ ही साथ PGA फॉर्म कर रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट, और ये PGA ही आगे चल के C3 साइकिल में एंट्री कर लेता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं एक बार बता दूँ आपको, मैं बता क्या रही थी कि C2 साइकिल जो हम आज की डेट में पढ़ रहे हैं, इसमें तीन सेल ऑर्गेनल्स काम करते हैं, पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा पेरीऑक्सीसोम्स, और तीसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। सबसे पहले मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट में आपका जो राइबुलोज बाईफॉस्फेट है, ये ऑक्सीजिनेस एंजाइम मतलब रुबिस्को की मदद लेता है, जो कि ऑक्सीजिनेस की तरह काम करता है, और वो एक जो प्रोडक्ट बनाता है, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, वो आपका सेकेंड कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट, और साथ ही साथ PGA बनाता है। अब ये जो पर्टिकुलर, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये जो पर्टिकुलर आपको देखने को मिल रहा है फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये आपका एंट्री करता है C2 साइकिल, मतलब ये आगे बढ़ाता है C2 साइकिल को आगे बढ़ाता है। और सेकेंड जो प्रोडक्ट आपको PGA देखने को मिल रहा है, जो मैं सर्कल कर रही हूँ, ये आपका C3 में एंट्री कर जाता है, ठीक। चलिए, अभी हमको PGA से मतलब नहीं, अभी हमको फॉस्फोग्लाइकोलेट से मतलब है, जो कि आपके C2 साइकिल को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, C2 साइकिल को आगे बढ़ा रहा है। तो अब ये पर्टिकुलर फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है, यहाँ से क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में, और जहाँ फॉस्फेट ग्रुप इससे रिमूव होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट से, तो ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो है आपका ग्लाइकोलेट, ठीक है। यानी अब जो है ये फॉस्फोग्लाइकोलेट किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो चुका है ग्लाइकोलेट में। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस आपको देखने को मिला, ये क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिला। अब ये ग्लाइकोलेट आपको देखने को मिल रहा है कि ये एंट्री कर रहा है दूसरे बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में मतलब कि ये
एंट्री कर रहा है दूसरे सेल ऑर्गेनल्स में, जो कि है पेरियोक्सिसोम्स। यहाँ पे ये पर्टिकुलर ग्लाइकोलेट जो है वो आपका ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता है कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, वो रिड्यूस हो रहा है H2O2 के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि फर्स्ट स्टेप में भी ऑक्सीजन क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, सेकेंड स्टेप में भी ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, डैट मीन्स कि कहीं ना कहीं सेकेंड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है जो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और ग्लाइकोलेट जो है वो क्लोरोप्लास्ट से यहाँ पे पेरियोक्सिसोम्स में एंट्री कर चुका है, और ग्लाइकोलेट आपका ग्लाइऑक्सिलेट में और H2O2 में फॉर्म कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप हमको यही देखने को मिला कि अब जो है कि ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो चुका है ग्लाइऑक्सिलेट में, ठीक है, और ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ H2O2 के फॉर्म में। ठीक, नाउ अब ये पर्टिकुलर ग्लाइऑक्सिलेट जो है वो कन्वर्ट होगा ग्लाइसिन में, यानी नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपको देखने को मिल रहा है वो है ग्लाइसिन। आपको देखने को मिला था कि क्लोरोप्लास्ट में जो प्रोडक्ट बना वो था आपका ग्लाइकोलेट, जो कि एंट्री किया था पेरियोक्सिसोम्स में, और अब आपको ये देखने को मिल रहा है कि अभी यही पेरियोक्सिसोम्स में हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है वो है ग्लाइसिन, जो अब एंट्री करेगा थर्ड बॉक्स की तरफ, और थर्ड बॉक्स में एंट्री करेगा ये कहाँ पे, ये एंट्री करेगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनिज्म में, और ये ग्लाइसिन जो है जो कि खुद ग्लाइसिन जो कि खुद 2 मॉलिक्यूल यानी 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेरीन में। ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सेरीन में। और जब ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाएगा सेरीन में तो ये कन्वर्जन भी आपको देखने को मिल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। डैट मीन्स हमें क्या देखने को मिला कि अभी तक में जो चीज़ें फिक्स थी, जो जिस चीज़ को बनाया गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अनफिक्स्ड हो गई। यानी यहाँ पे क्या हो गई, वो सारी चीज़ें अनफिक्स्ड हो गई, वो सारी चीज़ें जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले फिक्स था वो यहाँ पे अनफिक्स्ड हो गया, रिड्यूस हो गया, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हो कि NH3 भी यहाँ पे रिलीज हो रहा है। एंड देन NAD आयन किस में रिड्यूस हो रहा है, NADH में फॉर्म हो रहा है, और ग्लाइसिन किस में चेंज हो गया, इतनी कंडीशंस में जब ग्लाइसिन कन्वर्ट होता है सेरीन में तो ये आपको कंडीशंस देखने को मिल जाती है कि NH3 कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है और NAD NADH में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नाउ अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्रोडक्ट है वो क्या बना, हमको देखने को मिला सेरीन। अब सेरीन एंट्री करेगा फिर से पेरियोक्सिसोम्स में, ठीक है, और ये सेरीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में। ठीक है, और यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अब ये हाइड्रोक्सी पाइरुवेट चेंज हो जाएगा ग्लिसरेट्स में। किस में चेंज हो जाएगा, ग्लिसरेट्स में चेंज हो जाएगा, जहाँ पे NADH जो हमको मिला हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लाइसिन सेरीन में कन्वर्ट हो रहा था, वही NADH अब रिड्यूस हो जाएगा NADIN में। ठीक है, एंड देन नाउ अब ये ग्लाइसिन फिर से एंट्री कर जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, जहाँ पे वो ATP को रिड्यूस करेगा, यानी सॉरी ATP यहाँ पे फॉर्म होगा, ADP रिड्यूस होगा ATP के फॉर्म में, और वो बना लेगा 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड PGA, जो कि C3 साइकिल में जाके एंट्री करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। इसी चीज़ को मैं बॉक्स के फॉर्म में आपको बताने जा रही थी, ठीक है, इसी चीज़ को मैं आपको बॉक्स के फॉर्म में बताने जा रही थी, और मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करा देती हूँ अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है। तो हमने क्या बोला कि एक C2 साइकिल में 3 सेल ऑर्गेनल्स काम करते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे 3 बॉक्स के फॉर्म में दिखाया हुआ है। सबसे पहला जो आपका बॉक्स है वो है आपका क्लोरोप्लास्ट सेल जैसे सेल ऑर्गेनल्स का, दूसरा जो है वो है पेरियोक्सिसोम्स, और तीसरा जो सेल ऑर्गेनल्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है,
यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि राइबुलोज बाईफॉस्फेट, जो कि सी थ्री साइकिल में भी इन्वॉल्व होता है, सी टू साइकिल में भी इन्वॉल्व होता है, जो कि कार्बोक्सिलेज के फॉर्म में और ऑक्सीजिनेज के फॉर्म में दोनों फॉर्म में काम करता है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये राइबुलोज फॉस्फेट जो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट जैसे सेल ऑर्गेनल्स में पाया जाता है, वहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रूबिस्को एंजाइम की मदद लेता है। और जैसा कि बेसिक क्लास में हमने आपको बताया था कि जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब आप समझ जाइए कि हॉट कंडीशन है ना, कंडीशन कैसा है, हॉट है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर जब ज़्यादा है तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, और जब ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है तो रूबिस्को किसकी तरीके किस एंजाइम की तरीके से काम करता है, तब रूबिस्को ऑक्सीजिनेज की तरीके से काम करता है ना। रूबिस्को किस तरीके से काम करने लगता है यहाँ पे, रूबिस्को पर्टिकुलर ऑक्सीजिनेज के फॉर्म में काम करता है, ठीक है। एंड जब ऑक्सीजिनेज के फॉर्म में काम करता है तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हो रही है कि यहाँ पे राइबुलोज बाईफॉस्फेट रूबिस्को एंजाइम की हेल्प ले रहा है, जो कि एक प्रोडक्ट बना रहा है जो यहाँ पे आप देख रहे हो, फॉस्फोग्लाइकोलेट और पीजीए। ये पीजीए ही आगे चल के सी थ्री साइकिल पे एंट्री करेगी, कैसे करेगी वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट किस स्टेप में आगे चल रही है जो कि सी टू साइकिल को आगे बढ़ा रही है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे क्या होगा, पहले फॉस्फो ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से पीआई के फॉर्म में, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में आप देख रहे हो एरो बाहर जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिला वो है आपका ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट अब एंट्री करेगा सेकेंड सेल ऑर्गेनल्स में, पेरीऑक्सीसोम्स में, वहाँ पे ग्लाइकोलेट जो है ग्लाइकोऑक्सीलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये एटीपी आपका H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। अब ग्लाइकोऑक्सीलेट आपका कन्वर्ट होगा, फॉर्म करेगा ग्लाइसिन। यही ग्लाइसिन अब थर्ड नंबर के बॉक्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल ऑर्गेनल्स में एंट्री करेगा, और यहाँ पे ये ग्लाइसिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, यानी चीज़ें अनफिक्स्ड हो जाएंगी, आपका NH3 रिड्यूस होगा और NAD आयन NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाएगा सेरीन में। अब ये सेरीन फिर से पेरी ऑक्सीसोम्स जैसे सेल ऑर्गन्स में एंट्री करेगा और वो टूट जाएगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में। अब हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, उस वक्त NAD आयन NADH आयन, जो NADH आयन मिला था आपको, वो NADH आयन NADH में NAD आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन ग्लिसरेट आपका एंट्री कर जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में फिर से ये बनाएगा थर्ड कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरेट पीजीए, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये कंडीशन आपको जो सी टू साइकिल का जो ये जो पूरा कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है, ये उन प्लांट्स को देखने को मिलेगा जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करती है, मतलब कि जहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, यानी हॉट कंडीशंस में आपको ज़्यादातर सी टू साइकिल देखने को मिल जाता है, ठीक है, कुछ प्लांट्स को छोड़ के मोस्ट ऑफ केसेस में आपको ये कंडीशंस देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये था आपका पर्टिकुलर, एक सेकेंड, सो ये था आपका ये था आपका आज का सेकेंड लेक्चर सी टू साइकिल पे, जो यहाँ पे आज फिनिश हो रहा है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं जैसा कि पहले भी मैंने कई बार बोला है कि आप पहले जो है बेसिक्स लेक्चर देखेंगे, उसके बाद ही मेन लेक्चर पे आएंगे, नहीं तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। जिन बच्चों ने इसका बेसिक पार्ट देखा होगा, उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जा रही होंगी, रूबिस्को के बारे में, रूबिस्को के फंक्शंस के बारे में, कब वो काम कर रहा है, कब वो ऑक्सीजनेज की तरह काम कर रहा है, बिहेव कर रहा है, कब वो कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा है, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हर पॉइंट में मैंने आपको बहुत बेसिक तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश की हुई है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको थोड़ा सा भी ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक में। ओके, थैंक यू।